नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपना खुद का QR कोड हम कैसे बनाएं। आजकल हर किसी प्रोडक्ट पर आपको QR कोड देखने को मिल जाएगा। जैसे बार कोड मिलता है, वैसे QR कोड भी आजकल हर किसी प्रोडक्ट पर आपको आसानी से मिल जाता है, जिसे आप मोबाइल से स्कैन करके उसके बारे में डिटेल्स आप जान सकते हैं। आपको QR कोड किसी प्रोडक्ट का या किसी इमेज का या किसी SMS या टेक्स्ट या आपको किसी लिंक का भी QR कोड आप बना सकते हैं। QR कोड का पूरा नाम होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, मतलब वो बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स देता है स्कैन करने पर और पूरी जानकारी हमें दे देता है वो। तो हम बनाते हैं अपने YouTube चैनल का जो लिंक हमारा है उसका QR कोड हम बनाते हैं, जिसे आप स्कैन करके आसानी से हमारे YouTube चैनल का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आपको वो टाइप नहीं करना पड़ेगा, आप उस QR कोड को स्कैन कीजिएगा तो आपको हमारा YouTube चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसे आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको चलना है किसी ब्राउज़र में। हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो हम आ चुके हैं अपने ब्राउज़र पर। यहाँ आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और सर्च करना है। इसमें आपको टाइप करना है QR कोड जनरेटर, QR कोड जनरेटर। जैसे ही आपको सर्च रिजल्ट आएगा आपको नीचे जाना है। नीचे जाने पे आपको जो दूसरा ऑप्शन है www.qr-code-generator.com, आपको उस पर क्लिक करना है। ये जो वेबसाइट है बहुत ही आसानी से आपको QR कोड और बहुत ही जल्द आपको जनरेट कर देगा। ये वेबसाइट खुल चुका है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ऊपर में URL है, विजिटिंग कार्ड है, टेस्ट है, ईमेल है, SMS है, वाईफाई, बहुत सारे ऑप्शन है। ऊपर में साइनअप का ही ऑप्शन है, आप साइनअप कर भी सकते हैं या नहीं चाहे तो आप नहीं भी कर सकते हैं। बट साइनअप करने के बाद कुछ फैसिलिटी बढ़ जाती है। तो हम बिना साइनअप किए हुए बनाते हैं नॉर्मल QR कोड। तो हमको बनाना है अपना YouTube चैनल का लिंक का QR कोड। तो क्लिक करते हैं URL पे। यहाँ पे हमारा URL है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको मांग रहा है इंटर योर वेबसाइट। आप अपना जो भी आपका वेबसाइट है या YouTube चैनल है उसका आप लिंक प्रेस टाइप कीजिए यहाँ पे, फिर आपको डन करना है। हमने अपना चैनल का लिंक पेस्ट कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दिया है, टाइप कर दिया। फिर आपको क्लिक करना है जनरेट QR कोड पर। जैसे यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको ऊपर में सैंपल आपका QR कोड का सैंपल दिखाई देगा। नीचे में बहुत सारी फ्रेम है, आपको भी फ्रेम चूज कर सकते हैं। बट बिना साइनअप के हुए ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिल पाता, इसलिए आप सिंपल ही चूज करें या आप कोई एक पहला चूज कर सकते हैं स्कैन मी का, ये हमने चूज कर लिया। उसके बाद बहुत और भी ऑप्शन है, सेप एंड कलर चेंज कर सकते हैं, अपना लोगो बीच में बदल सकते हैं। फिर नीचे में ऑप्शन है डाउनलोड JPG, उस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो QR कोड है जनरेट हो जाएगा और आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। ऊपर में लिखा हुआ आ रहा है योर QR कोड इज बीन जनरेटेड, प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश और एग्जिट। आपका QR कोड जनरेट हो रहा है, कृपया इस पेज को रिफ्रेश या आप बैक नहीं होए। यह आगे डाउनलोड का ऑप्शन, आप यहाँ डाउनलोड कीजिए। यहाँ आप नाम चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको नाम देना है आप नाम बदल सकते हैं इसका। मैंने पहले भी डाउनलोड किया था इसलिए दोबारा पूछ रहा है, नाम बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं, कुछ भी नाम देते हैं। QR कोड YT, डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है और हमारा गैलरी में ये सेव हो चुका हो रहा है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने गैलरी में और देखते हैं हमारा वहाँ सेव हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये हम आ चुके हैं अपने गैलरी में, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे QR कोड आपको दिखाई दे रहा है जो डाउनलोड फोल्डर में है। ये हमारा डाउनलोड हो चुका है और गैलरी में आ चुका है। तो इसे आप आसानी से किसी भी मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आसानी से आ सकते हैं बिना हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को टाइप किए हुए। तो इस तरह से आप भी अपने किसी भी लिंक या किसी भी टेस्ट या मैसेज का आप QR कोड जनरेट कर सकते हैं और किसी को शेयर कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।